गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनिता निषाद फ्रॉम अक्सर स्कूल. टुडे वी आर राइट एंड लर्न योर चैप्टर 7, पेज नंबर 99. सो स्टूडेंट, आपको इसके भी टॉपिक्स आपके रफ बुक में लिखने होंगे. अगर आप रफ बुक में 5-5 टाइम लिखते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है. हैवियर लाइटर, हैवियर लाइटर, इसको भी आपको 5-5 टाइम्स आपको लाउडली बोल के लिखना है. HEAVIER, हैवियर. हैवियर मीन्स भारी. LIGHTER, लाइटर. लाइटर मीन्स हल्का. लाइटर मीन्स हल्का. हैवियर मीन्स भारी. लाइटर मीन्स हल्का. तो आपको ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा थिंग्स हैवी है और कौन सा लाइट है. तो आपने ये देखा, आपने देखा बैलेंस में एक पम्पकिन है और एक टोमेटो है. तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है. तो ये आपने देखा, इसका बैलेंस नीचे है और इसका ऊपर है. तो ये इसके मुकाबले हैवियर है और ये लाइट है. तो हैवियर मतलब जो भारी है, हम उसके सामने हैवियर राइट करेंगे. और जो लाइटर है, लाइट है, उसके मुकाबले उसे हम लाइटर लिखेंगे. HEAVIER, हैवियर. LIGHTER, लाइटर. इसको भी आप 5-5 टाइम्स आपकी 01 में राइट करके प्रैक्टिस करेंगे. हैवियर मीन्स भारी, लाइटर मीन्स हल्का. तो अभी आपने देखा, सो स्टूडेंट, हैवियर लाइटर, आपने देखा ये एंट है, ये एलिफेंट है. तो आपने पता चला होगा कि एलिफेंट है वो एंट से हैवी होते हैं, हैवी. तो इसमें हम हैवियर, आपने देखा राइट है, और उसके मुकाबले एंट लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं. तो लाइटर इसमें आएगा. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. टिक राइट द लाइटर, जो हल्की चीज़ें हैं, जो हल्की थिंग्स ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको टिक करना है. लाइटर पूछा है, ओनली फॉर लाइटर. उसी बॉक्स में टिक करेंगे जो थिंग्स उसके दूसरे थिंग्स के मुकाबले हल्का है, लाइट है. तो ये आपने देखा लॉक है, ताला, और ये शर्ट है. तो शर्ट तो हम उठा लेते हैं जब ड्राई होता है, तो तुरंत इतना हल्का होता है. बट दूसरे हैंड पे आप लॉक रखो, ताला रखो, तो भारी होता है. तो हमें लाइटर जो थिंग्स है उसमें राइट करना है. तो शर्ट उसके मुकाबले लाइट है, हल्का है. सिलेंडर देखिए, ये शॉर्ट छोटा सिलेंडर है और ये बिग सिलेंडर है. तो आपको क्या करना है, लाइटर पूछा है. तो आप उसी बॉक्स में जो लाइट उसके मुकाबले जो हल्का है उसमें आप राइट करेंगे. सेकेंड एक्सरसाइज, टिक राइट द हैवियर, पूछा है जो भारी है उसमें हमें राइट करना है, और जो दूसरा बॉक्स है उसे हमें छोड़ देना है. तो भारी, देखो ये काइट है और ये लटाई है, तो उसके मुकाबले लटाई भारी होगा और ये काइट हल्का होगा. तो हमें हैवियर पे टिक करना है. तो हमने टिक किया जो उसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले भारी है. अब आप देखो, ये फिश है, ये डॉल्फिन. तो आपको क्या करना है, आपको उसी पर टिक करना है जो भारी है, जो हैवी है उसके मुकाबले, दूसरे के मुकाबले. तो हमें हैवियर पे टिक करना. इस तरह से आप समझ गए हैं, हैवियर मीन्स भारी और लाइटर मीन्स उसके मुकाबले हल्का. तो सो स्टूडेंट, आप हमने नेक्स्ट पेज लिया, हैवीएस्ट लाइटेस्ट. आपको इसके भी 5 टाइम्स वर्ड्स लिखने हैं. टॉपिक हैवीएस्ट लाइटेस्ट, HEAVIEST, हैवीएस्ट. LIGHTEST, लाइटेस्ट, यानी कि सबसे भारी. हैवीएस्ट मीन सबसे भारी, लाइटेस्ट मीन सबसे हल्का. आपको 2 से अधिक ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसमें आपको फाइंड करना है, या 2 से अधिक, 4-5 जो भी दिए. तो सबसे जो हैवीएस्ट है उस थिंग्स में, 5, 4 थिंग्स में, 3 में, तो उस पर आपको बताना है हैवीएस्ट सबसे भारी. और जो उस थिंग्स में एक ही जैसा है, जो सबसे हल्का है, उसे हमें बताना है लाइटेस्ट, मतलब हल्का. अब एक्सरसाइज पे आइए, टिक राइट हैवीएस्ट, जो सबसे भारी है उस पे आपको टिक करना है. आपने ये 3 थिंग्स देखे, अब आपको क्या करना है, जो सबसे भारी है, टैंक है, तो ये आपको सबसे भारी है. ओके, इसमें इसके मुकाबले ये उससे लाइट है, इसके मुकाबले ये उससे लाइट है. तो हमें क्या करना है, इस पर आपको टिक करना है जो सबसे हैवीएस्ट है. ओके, अब आप देखिए इसमें क्या है, टिक राइट द लाइटेस्ट, जो सबसे लाइट है
उस पर आपको टिक करना, यानी कि आपको सबसे लाइट आपका ये क्लॉथ है तो आपने इस पर टिक किया, ठीक है। ये दोनों थिंग्स इसके मुकाबले हैमर कबर्ड, तो ये दोनों आपके हेवियर है इससे। तो जो हमें लाइट पूछा है, लाइटेस्ट सबसे हल्का, तो ये हमारा समी जाएगा, और कप क्लॉथ जो सबसे हल्का है इन सब से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक राइट द हेवीएस्ट। अब पूछा है सबसे भारी थिंग्स, उस पर आप टिक करिए। तो सबसे भारी थिंग्स आपको पता चल रहा है कि सबसे, ये बकेट है, इसमें वाटर फिल है, इसमें पानी भी है, तो हमारा सबसे हैवीएस्ट ये होगा थिंग्स। तो स्टूडेंट हमें इस पर टिक करना है। इस तरह से आप सारे टॉपिक्स के नेम फाइव फाइव टेंस राइट करेंगे और उसको अच्छे से मीनिंग्स आपको समझेंगे। हैवीएस्ट मीन भारी और लाइटेस्ट मीन्स हल्का। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना है। तो सो बाय स्टूडेंट, आप इतना वर्क कंप्लीट करिएगा।